हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए व्लॉग में। और आज बहुत दिन बाद हमारे व्लॉग में आपको धूप देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारी धूप थी आज और शाम के बज रहे हैं 5। हम कहीं चलेंगे घूमने क्योंकि आज है संडे। क्या मौसम है आज का! सामने देखिए बैठी है कबूतर और यहाँ मेरे कपड़े हैं सब, उसको मैं उतार के लेके चलूंगा नीचे। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये कितना अच्छा फूल है। तो भाई लोग, हम लोग निकल लिया हूँ मैं। मेरा स्विगी से ऑर्डर आ गया है और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, एक ही नहीं कई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो चल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ स्विगी वाले भैया कहाँ हैं, उनसे मिलवाता हूँ। मिलते हैं फिर। स्विगी वाले भैया को मैंने गर्ल्स हॉस्टल के पास बुलाया था, अब देखिए वो कहाँ है। चल रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल के पास, दिखते हैं फिर आए हैं कि नहीं वो। हाँ तो भाई लोग, भैया खड़े हैं आके, चल रहे हैं इनसे ऑर्डर लेते हैं। और ये है गर्ल्स हॉस्टल। यूँ इतना पिज़्ज़ा लेके हम चल रहे हैं घर की तरफ और खूब मज़े से खाएंगे अब, ठीक है। बहुत पैसा है अपने पास, आज संडे था तो थोड़ा बाहर खाना ज़रूरी है। मैं अब चलते हैं घर पे, डायरेक्ट मिलवाते हैं। आगे घर पे, अब इसको अनबॉक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं। हो गया है अनबॉक्सिंग, अब चल रहे हैं खाने, बहुत भूख लगी है। तो गाइस यहाँ पे डस्टबिन ये गायब हो गई है। ये डस्टबिन एक येलो और एक ग्रीन रहती है, है। सूखा, इसमें सूखा कूड़ा, उसमें जो है गीला कूड़ा। कोई तो कोई कोई उड़ा दिया, किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ी गीला कूड़े की, उसको गीला घर में ज्यादा निकलता तो वो डस्टबिन ही उड़ा ले। डस्टबिन उड़ा लगे बताइए, कोई बात नहीं। कौन सी जगह है भैया? ये है मेवराबाद ना, मेवराबाद कमला नगर, ठीक है। यहाँ पे देखिए डस्टबिन की चोरी हो गई, बहुत ही निंदनीय घटना है, घिनौना अपराध है। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में। बहुत सही भैया, हाँ सरकारी संपत्ति है। चलिए क्या किया, क्या कहा जाए अब। तो भाई रास्ते में ये खड़ी है और मैं अब कैसे आगे जाऊं? ओ भाई मारने दे बस मुझको, अपने दिल को अपने हाथ में। ओ भाई मारना मत यार। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। बच गया हूँ और ये दूसरी है, मुझको जाने दो बहन, ऐसे नहीं देखते हैं ये। क्या भाई, और आगे एक और टोल टैक्स है, दो टोल टैक्स है। चलते हैं भाई, मैं चिड़ियाघर में आ गया हूँ। प्रयागराज को चिड़ियाघर घोषित कर दिया जाए, खासकर मेरी कॉलोनी को। मतलब हद है यार, रास्ता जाम करके रखे हैं, आउटडोर लग रहा है साला, घर जाने में दिक्कत हो रही। बताओ अब बताओ, यहाँ से आदमी कैसे जाएगा? वेलकम टू प्रयागराज के जंगल में। भाई मत काटना प्लीज। देखो एक और आ रहा है, इसका पैर भी टूट गया है, मिलवाता हूँ इससे भी। ये देखिए बहुत सही, आई साला। भूख लग गई थी रात को और हमने बनाया सैंडविच और फिर अब जा रहे खाने। मॉर्निंग गाइस, और ऐसे में धूप हुई थी आज थोड़ा तो बाहर निकला हूँ, थोड़ी ठंड कम है आज। तो चलिए दिखाता हूँ, अभी तो पैदल जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको कहीं जाता हूँ तो। ये मंदिर है, जय भगवान जी की। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ये देखिए हम लोग हैं लाइब्रेरी वाले रोड पे घर वापस जाते हुए। छी छी कितनी गंदी रोड है। और यहाँ देखिए, हेलो सुभांश, आ गए कॉलोनी में। और ये क्या, यहाँ शुभम तो कान को जा रहा है अपना। अरे शुभम भैया आओ, चलिए शुभम से मिलवाते हैं आपको। ए शुभम भैया, रुको रुको रुको। अरे शुभम, ये क्या है शुभम? और बताओ भाई सब बढ़िया? अरे अरे कहाँ भाग रहे शुभम भैया? शुभम भैया क्या हुआ शुभम, इतने नाराज क्यों हो तुम? बहुत बहुत दुखी थी। अरे क्या हुआ शुभम?
और ये देखो सर्विस आ गया, और सर्विस। और इन सबको ठंड लग रही है, बहुत ही ठंड है। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग बैडमिंटन खेलने। भाई शाम हो गई है और लाइट क्यों नहीं जल रही है? जल गई। तो हम जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने। बहुत ठंड है। सामान वामान ले लिया और ये रास्ते में फिर से चिड़ियाघर में आ गया हूँ। हाँ बहुत सही, सबको साला खुजली हुआ है क्या भाई? क्यों पीछे पड़े हो यार? ये देखो ये भी आ गया। ऑपरेशन हो रही है गाइस और अब बनने के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो खाना रेडी हो गया और बहुत भूख लगी मुझको क्योंकि थोड़ा लेट बनाया हूँ और जा रहे हैं अब खाने। तो खाना पीना हो गया है, हम जा रहे हैं पढ़ने। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं कल। मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा।